फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट व्यू। तो क्या मुकाबला हुआ आज? गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का। हार्दिक पांड्या ने मैच विनिंग नॉक खेला है एज अ कैप्टन। 87 रन बनाए 52 बॉल्स में, नाबाद वो भी। जल्दी विकेट्स गिर गए थे, 15-2 था, वहाँ बैटिंग करने आए और बहुत अच्छा खेला हार्दिक पांड्या आज। उसके बाद जॉस द बॉस, मुझे कुछ पता है, 49 रन हो गए थे टीम के और 47 तो सिर्फ उनके थे। अश्विन का एक था और पडिकल एक रन पे आउट हो गए थे। यश दयाल को बहुत मारा आज उन्होंने, बहुत सुता था आज। जॉस बटलर ने बहुत बढ़िया खेले, अगर वो अंत तक टिके रहते तो आज राजस्थान इजीली विन था। संजू सैमसन सुसाइड कर लिए खुद से, मतलब रन की सुसाइड, विकेट खो बैठे अपना। कहाँ भाग रहे थे, हाथ में मार के, वो भी हार्दिक पांड्या जैसे फील्डर के हाथ में मार के भागना बहुत ख़राब बात है। तो फिर शुभमन गिल रन आउट हुए, शुभमन गिल नहीं, मैथ्यू वेड भी रन आउट हुए आज। आज के मुकाबले में दो बढ़िया बैट्समैन रन आउट हुए, एक तो कप्तान राजस्थान का वो रन आउट हुआ, और आज 3 नंबर पे अश्विन को भेजा, ये देखने लायक बात थी। 3 नंबर पे अश्विन को क्यों भेजा मुझे तो समझा नहीं। वैसे अच्छी बात हो सकती है क्योंकि आपकी बैटिंग आपने छोटी कर दी, यशस्वी जायसवाल को आप बाहर बैठा रहे, तो फिर आपकी बैटिंग थोड़ी छोटी होगी तो अश्विन 7 नंबर खेलते, तो अश्विन को 3 नंबर खिला के बैटिंग थोड़ी लंबी कर लिए। रियान पराग अब 8 पे खेलेंगे ऐसा, तो 8 या 7, जी हाँ, उस पर खेलेंगे। मैच अच्छा हुआ राजस्थान का, हाथ का मुकाबला था, जैसे विकेट्स गिरे, हेटमायर का विकेट मेरे ख्याल से मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर हेटमायर खेलते रहते तो मैच इजीली जीत सकती थी राजस्थान, क्योंकि हेटमायर ऐसे हिटर है, बॉल को कहीं भी मार सकते हैं वो, उनका बस चले तो बॉल को कहीं भी मार सकते हैं। और प्रेडिक्शंस मेरी कुछ गलत हुई, कुछ सही हुई, और इस सीज़न मेरी प्रेडिक्शंस अब 50-50 हो चुकी है। पहले तो 100% गलत हुई थी, अब 50-50 तक पहुंच चुका है। अब इसको 60-70 करके 80-90 तक तो पहुंचाएगा। और आपकी मैच के रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।